किसके द्वारा हो सकता है? ऋषियों के द्वारा, विष्णु के द्वारा। विशेष रूप से विष्णु भी कर सकते हैं का अर्थ है
जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं उनके अंश के अंश, उनके अंश भी कर सकते हैं और अंश के अंश कला इत्यादि भी ये सारे कार्य कर सकते हैं। इसके लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है, आना पड़ेगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। कल भी हमने इसको श्रवण किया था, तो अभी श्रील गुरुदेव उसी को आगे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि एक तो है स्वयं भगवान, वो कौन है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु, ये स्वयं भगवान है। और फिर उनके अवतार हैं राम, नरसिंह, वामन इत्यादि, अनेक अवतार हैं। अनेक अवतारों में से जो राम और नरसिंह इत्यादि हैं, इनको परा अवस्था अवतार भी कहते हैं। फिर बताया कि स्वयं भगवान जो हैं वो क्या करते हैं? असुरों का कार्य, यद्यपि कृष्ण लीला में भी दिखलाई पड़ता है कि असुरों का विनाश किया, किंतु वो स्वयं कृष्ण नहीं करते। जब स्वयं कृष्ण आते हैं, उनके भीतर में ही अन्य अन्य समस्त अवतार इत्यादि एक साथ में एकत्रित होते हैं और उन्हीं के माध्यम से ही भगवान क्या करते हैं? वो असुर दलन इत्यादि का लीला करते हैं, स्वयं लीलाएं करते हैं। परिकरों के बिना लीला होती नहीं है, स्वयं लीलाएं करते हैं परिकरों के।